रायबरेली पुलिस ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पुलिस को एक दो नहीं पूरे 6 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस गांजे की कीमत 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्करों ने इसे डीसीएम ट्रक के अंदर 116 बंडलों में छिपा कर रखा था। अवैध गांजे के अलावा तस्करों के पास से अवैध असलहा और कारतूस भी मिले हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त उड़ीसा से गांजा लेकर लुधियाना पंजाब में बेचा करते थे। पुलिस व एसओजी टीम डलमो कोतवाली क्षेत्र के भीमगंज मोड़ पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी, तभी उन्हें एक डीसीएम आते दिखाई दी। बैरियर पर उसे रोककर चेक किया गया तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि डीसीएम के अंदर 6 क्विंटल गांजा रखा हुआ था। पकड़े गए अभियुक्त रघुनाथ गोसाई निवासी ताजपुर रोड लुधियाना, वहीं दूसरा अभियुक्त संतोष राठौर निवासी शिव कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर लुधियाना का रहने वाला है। ये लोग डीसीएम में बंडलों के नीचे गांजा के गट्ठर रखकर सप्लाई किया करते थे। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार करने वाली दोनों टीमों के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सुनिए क्या कहते हैं रायबरेली जिले के पुलिस अधीक्षक अशोक प्रियदर्शी। स्वाट की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है रघुनाथ गोसाई जो लुधियाना के रहने वाले हैं, दूसरे संतोष राठौर जो लुधियाना ग्रामीण के रहने वाले और जिले कानपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों के कब्जे से करीब 6 क्विंटल 12 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 6 करोड़ रुपये के आसपास है। रफ एस्टिमेट एक ये है। इनके कब्जे से एक डीसीएम बरामद हुई जिसमें ये गांजे की जो गोलियाँ थी रखी थी। इसके अलावा इनके पास बच्चे और कुछ कागज बरामद हुए हैं, 3 फोन मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, इनका ड्राइविंग लाइसेंस, ATM और 900 रुपये कैश बरामद हुआ है। पकड़े गए व्यक्तियों से बस जनता से पूछताछ की गई है और पूछताछ में उन्होंने ये बताया है कि उड़ीसा एक पर्टिकुलर पॉइंट से गांजा प्रोक्योर करते थे और पंजाब में जा करके इसमें भेजते थे एट डिफरेंट रेट्स। जो इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में तहकीकात की जा रही है। इस ट्रेन में इनके साथ और बाकी लोग भी जो शामिल हैं उनकी भी उनके नाम बता करके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन मित्रों का पूरा डॉसे और पूरे उनका रिकॉर्ड है उसमें अपलोड कराया जा रहा है और इनसे पूछताछ करके और भी जो फर्दर एक्शन इस पर होना है